मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने एक फैसला किया और फैसला यह किया कि भाई चूंकि सावन का महीना शुरू हो रहा है तो जो भी रेड़ी पट्टी वाले हैं ढाबे वाले हैं होटल वाले हैं फल बेच रहे हैं उनको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी इसके पीछे उन्होंने ये दलील दी कि चूंकि सावन का महीना है कावर लेकर चलेंगे तो कई बार क्या होता है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस विवाद से बचने के लिए और कॉमनल सिचुएशन ना बिगड़े इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो भी लोग जिस भी चाहे जितने भी दिन से दुकान चला रहे हैं होटल चला रहे हैं अपनी सही पहचान बता दीजिए तो कई फल वालों ने जो भी जो भी लोग थे उन्होंने अपनी सही सही पहचान या नाम की एक तख्ती जो है सामने लगा दी इसमें क्या दिक्कत है संदीप सर क्योंकि देख रहा हूं कि अब ओबेसी भी हैं अखिलेश यादव भी हैं सब लोग कूद गए कि जी समाज में आप लोग बैरियर बना रहे हैं देखिए प्रकाश ये तो साफ हो गया कि कौन परेशान है जिसको परेशानी है वो कूद रहा है ठीक है नाम बताने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए किसी को अगर मेरा नाम संदीप है तो मैं बताऊँगा संदीप हूँ है ना तो उसी तरह से आरिफ हो अमानत हो आतिफ हो नासिर हो कोई भी हो उनको नाम बताने से और ये सिर्फ़ एक कम्युनिटी के लिए फैसला नहीं है किसी को बोला गया है हाँ, मतलब अगर आप हिंदू भी हैं तो भी मुस्लिम भी, भी हैं तो भी सिख भी हैं तो भी सब लोग अपना नाम टांग दें ये बोला गया है और देखिए ये आस्था का सवाल है वहाँ पे लाखों श्रद्धालु जाते हैं उस रूट से और बहुत पवित्र महीना होता है और जो श्रद्धालु जो होते हैं वो बहुत पवित्रता के साथ इसको फॉलो करते हैं तो इस हिसाब से कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो अनजाने में कोई गलती ना हो जाए उसको देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कई बार और सर ये तो हो जाता है कई बार हो जाता है कि किसी भक्त तो मतलब उसको बाद में पता लगा कि अरे हम इतने दिन से भूखे प्यासे सावन में चल रहे हैं हमने खरीदारी यहाँ से कर ली यहाँ से कर ली बिल्कुल जैसे देखिए अब जैसे रमजान का महीना है इतना पाक महीना होता है रमजान में लोग रोजा रखते हैं अगर उसमें कोई गलती से अगर कुछ गलत कर, हो जाए तो होता है चारी आस्था चारी का इस सवाल इस होता है भी हिस्सा है कि इसी सावन में आप जब इस पूरे रूट पर चलिएगा जो पश्चिम के जिले हैं जो हरिद्वार तक जाते हैं उन जिलों में अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम भाई ही लगातार कावड़ियों को शरबत भंडारा ये सब का आयोजन करते हैं बिल्कुल लेकिन वो पहचान के साथ करते हैं वो बता के करते हैं आइडेंटिटी है, आप इसी के बाद आप अमरनाथ यात्रा देखिए वहां पर सारे मुस्लिम सेवक होते हैं लेकिन वो छुपाते थोड़े ही हैं छुपा के क्यों करना है और यहाँ भी देखिए उनको कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों ने तो नाम लगाना शुरू कर दिया आपने देखा होगा कई विजुअल फोटो आ रहे हैं उन लोगों को कोई परेशान... को परेशानी किसको है परेशानी जो इनके इसी नाम पे इसी नाम के चक्कर में अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे थे उनको दिक्कत है अखिलेश आ गए आपके जो लोकल जितने भी नेता हैं इमरान मसूद हैं वो सब कूद गए हैं उनको दिक्कत हो रही है या फिर देखिए ये वोट बैंक बहुत लोगों का है हो सकता है तो जैसे नहीं, अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे मेरा नाम मेरे पिता का नाम मेरे गांव का नाम मेरे दादा का नाम बताने या दिखाने में क्यों परेशानी होनी चाहिए अब अगर जैसे खान चाचा हैं या नाजिर बिरयानी है या बहुत सारे जो पुरानी दिल्ली में दुकान है जामा मस्जिद के पीछे जो है वहाँ दुनिया भर से देश से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जाते हैं खाते हैं किसी को सबको पता है किसकी दुकान है कौन लोग बना रहे हैं जिनको खाना होता है वो खाते हैं लेकिन फिर वहाँ कुछ नहीं छुपा रहे लेकिन यहाँ छुपाना है मैं समझ नहीं रहा हूँ इस क्या चक्कर है छुपाना क्यों है नहीं छुपाने की बात ही नहीं मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लोग बेच रहे हैं जो लोग दुकान लगा रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं वो प्रशासन का फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर को उनको कोई परेशानी नहीं है परेशानी उनको है जो इस नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ठीक है परेशानी उन्हीं लोगों को है देखिए और ये कोई आदेश जो है ऐसा नहीं क्यों मुजफ्फरनगर चुना गया ये भी समझना होगा ना इस रास्ते पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इस रास्ते हाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं ये जिला बहुत संवेदनशील है पहले भी लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्युनल टेंशन होते रहते हैं घटनाएं होती रहती हैं और लोग इसका फ़ायदा उठाते रहते हैं है ना

तो वहां पर कोई यहां से जाकर के शिवाजी होटल खोल सकता है क्या कि शिवजी का होटल या फिर हर हर महादेव ढाबा नहीं चलेगा और ओवैसी साहब उसमें जाकर के खाएंगे क्या यह भी ओवैसी साहब को बताना चाहिए तो कॉमिनल हारमोनी को लेकर ही अभिषेक सिंह ने जो कहा है वो कहा है सर देखिए कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं चाहे वो होटल ढाबे ठेले जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोपराइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें ये इसलिए ज़रूरी है ताकि कि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो इस लिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं बिल्कुल और ये फैसला कोई देखिए ऐसा नहीं है ये फैसला ऐसा नहीं है कि अभिषेक सिंह ने अकेले लिया है और उनका डिसीजन है उस जिले का ये फैसला पूरा सोच समझ के लिया गया है और इस पर लखनऊ का उनको परमिशन मिला हुआ है ठीक है और आने वाले दिनों में हो सकता है आप दूसरे जिलों में भी ये देखेंगे कि ऐसा फैसला लिया जाए सावन के महीनों में ये किया जाए आप बिहार में देखेंगे देवघर जब जाता है रास्ते में पूरी रा पूरे रास्ते में बहुत अच्छे से व्यवस्था की जाती है साफ़ सफ़ाई की जाती है वहाँ भी हटाए जाते हैं सब कुछ और स, इतनी पवित्रता रखी जाती है तो उसी तरह से यहाँ पे कोशिश की गई है और चूँकि इतना टेंस इलाका है तो उसमें प्रशासन को तो अपनी तरफ से सतर्कता रखनी पड़ेगी और ये बातें बार बार प्रशासन के पास जा रही थी ये शिकायत जा रही थी हर बार है ना कि वहाँ पे जैसे आया कि शिवा ढाबा है कोई और चला रहे हैं अब देखिए जो जा रहा है श्रद्धालु वो तो समझेगा कि शिवा ढाबा है उसमें हम खा सकते हैं लेकिन भाई ठीक है आपने आप वेज परोस रहे हैं लेकिन उनमें काम करने वाले सब लोग हैं वो तो अपनी दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं ना कोई नॉन वेज खा के आ रहा है और काम कर रहा है बना रहा है तो आप तो जिसकी आस्था है और जिसकी पवित्रता है वो तो ख़त्म हो गई तो ये एक उस तरह से सोचा समझा फैसला लिया गया है और लोग फॉलो कर रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स जिनका इस पे चलता है मुसलमानों के नाम पे जो पॉलिटिक्स करते हैं जो कम्युनल टेंशन पैदा करने के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं उन लोगों का ये बखेड़ा जरूरी बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर हो सहारनपुर हो बरेली हो ये पूरा का पूरा इलाका संवेदनशील है कांवड़ियों की यात्रा शुरू होने वाली है सावन शुरू हो रहा है और इसको लेकर हर जिला प्रशासन अलर्ट है अब सवाल है कि इसी सावन की यात्रा में जब रोड के साइड में मुस्लिम भाई कहीं भंडारा खिला रहे हैं कहीं शरबत पिला रहे हैं उसमें किसी का को कोई दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन और वो लोग पहचान बता करके कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज खिला रहा है मुस्लिम समाज ये भंडारा कर रहा है लेकिन अब वैसे साहब कह रहे हैं कि नहीं हम फल बेचेंगे नाम नहीं बताएंगे नाम नहीं अरे भाई जो कावड़िए जा रहे हैं या जो लोग भी धार्मिक यात्रा पर हैं ये तो उनकी स्वतंत्रता पर तो होना चाहिए कि कल को अगर कोई जाकर के विवाद करेगा कि जी हमारे साथ ऐसा हो गया तो कम से कम प्रशासन के पास ये होना चाहिए कि नहीं हमने ये व्यवस्था कर रखी है आप जा करके आपने देखा क्यों नहीं और आपने खरीदा तो ये तो आपने अपनी समझ के अनुसार किया है हम क्यों विवाद में पड़ेंगे बिल्कुल और ये देखिए ये तो पूरी तरह से सामाजिक और आस्था आस्था के एंगल पे हम लोगों ने ये समझाने की कोशिश की है इसका जो राजनीतिक पहलू है उस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे हमारे सहयोगी अभिषेक चांडिल वो भी जरूर देखिएगा कि इसका राजनीतिक पहलू क्या है और कैसे आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ ने अपने एक चाल से पूरा गेम पलट दिया है एक बात से मैं खत्म कर रहा हूं बात कि अगर जामा मस्जिद के सामने सारे होटल खान चाचा नाजिर चाचा और जिस भी नाम से चल रहे हैं दुनिया भर से लोग जाते हैं वहाँ खरीदारी करते हैं खाना बैठ कर खाते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो श्रद्धालुओं का रूट है वहाँ पर कुछ लोग नाम बदल करके किसी और नाम से अपना धंधा चला रहे हैं और इसमें जब बोला गया कि भाई नाम बताइए इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए आपको भी क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा